जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी को लागू कर दिया गया है। 14 जून की बैठक में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा तीनों सेनाओं के चीफ द्वारा टीओडी को लागू कर दिया गया है। टीओडी को ही अग्निपथ का नाम दिया गया है, जिसके तहत युवा जो शामिल होंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इनके जो नियम है वो 17.5 से लेकर 21 साल के युवा ही इसमें शामिल हो सकेंगे, जिसमें आपको मात्र 4 साल देश सेवा करने का मौका मिलेगा। 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी के 3.5 महीने आपको ड्यूटी दिया जाएगा। जिसमें अगर बात करें हम सैलरी की, तो आपको सालाना 4 लाख का पैकेज मिलेगा और ये आपके पर ईयर बढ़ता जाएगा। और अगर आप अग्निपथ के तहत शहीद हो जाते हैं तो आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। और अगर युद्ध के दौरान आप विकलांग हो जाते हैं तो 48 लाख का पैकेज मिलेगा। ठीक है, सरकार ने टीओडी लागू कर दिया है, अच्छा बात है। और 90 दिन के बाद अग्निपथ की भर्ती प्रक्रिया भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उनका क्या होगा जो ओपन डायली भर्ती में ट्रेडमैन क्लर्क से 23 साल तक की उम्र तक जाते थे सेना में? सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए था, जो गर्मी बरसात ठंड में रोज सुबह 4 बजे उठकर कई किलोमीटर तक रनिंग करने जाते हैं और उसके बाद भी समाज में यह ताने सुनने को मिलता है कि आखिर तुम फौज में कब लगोगे, इतने दिनों से देख रहे हैं घर पे हो, बस रनिंग कर रहे हो। लेकिन इन सब बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, इसके बाद भी हम अपने फौज के सपने को बरकरार रखते हैं। और यह कहानी न सिर्फ मेरा है बल्कि उन सभी युवाओं की है जो पिछले 4 साल से भर्ती के इंतजार में मर रहे हैं और सरकार ऊपर से ये टीओडी लागू करके मार रहे हैं। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहेंगे हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कि आप उन युवाओं पर भी ध्यान दें जो ओवर एज हो चुके हैं और अपना सेवा देश को देना चाहते हैं। उनके लिए भी कुछ प्रावधान निकालें जिससे वो अपना सेवा देश को दे सके। जय हिंद, जय भारत।